स्पीकर साहब, मैं तो एक ही बात कहूंगी, ई कॉमर्स पॉलिसी इमरान खान बनाए, अमेज़न को पाकिस्तान में इमरान खान लेकर आए, ईवी पॉलिसी, ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट पॉलिसी इमरान खान बनाए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इमरान खान बनाए, एसएमई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इमरान खान बनाए, बंद पड़ी इंडस्ट्रीज को फुल कैपेसिटी में इमरान खान चलाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इमरान खान बनाए, एक्सपोर्ट इमरान खान बढ़ाए, खसारे इमरान खान कम करे, नए नहरी निजाम इमरान खान बनाए, नए अस्पताल, नए सस्ते घर, नई अपनी गाड़ी इमरान खान बनाए, इदारों में इस्लाहात इमरान खान लेकर आए, दुनिया में नामूसे रिसालत का परचम इमरान खान लहराए, और गरीबों को राशन, छत इमरान खान, कर्जे इमरान खान उतारे, पुरानी हुकूमतों के हारे हुए केसों पर अरबों डॉलर का जुर्माना भी इमरान खान माफ करवाए, वजीर आजम हाउस का पैसा भी इमरान खान बचाए, और टैक्स कलेक्शन भी इमरान खान ही बचाए, एक अकेला इमरान खान ड्रोन अटैक्स के खिलाफ लड़ा है, आज भी लड़ रहा है। एब्सोल्युटली नॉट, दो अल्फाज कहने को प्राइम मिनिस्टर के दो अल्फाज, लेकिन ये खुला ऐलान है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ अवाम की मफाद के फैसले, हरे पासपोर्ट की इज्जत प्राइम मिनिस्टर के इमरान खान कराए, अमेरिका और इसराइल की आंखों में आंखें डालकर प्राइम मिनिस्टर के इमरान खान का। स्पीकर साहब, क्रक्स ऑफ ऑल ये है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर वो फैसले करता है जिसका फल आइंदा आने वाली नस्लें खाएंगी, यानी वो इलेक्शन का नहीं, आइंदा आने वाली नस्लों का सोचता है।